यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी आज मैं बना रही हूँ अंडे प्याज का सालन। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश मेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये बनाते हैं अंडे प्याज का सालन सहरी स्पेशल और बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं चीज़ें बता देती हूँ उसके बनाने के लिए। मैंने ले लिए टमाटर, इसके साथ सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, प्याज, इस तरह काट लें इनको। उसके बाद अंडे ले लिए हैं मैंने, साबुत ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, कुटी मिर्च, बस इतनी सी चीज़ें हैं। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा, तो मैंने ये बना के रखा हुआ है तो यही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऑयल ले लिया और ऑयल के अंदर ऐड कर लेंगे हम लोग ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा सा गर्म होने देंगे तेल के अंदर। तो ज़ीरा थोड़ा सा पक चुका है, इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो सहरी में आप ये बनाएं पराठे के साथ, चाय के साथ और इन्जॉय करें, बहुत मज़ा आता है ये नाश्ता करने में। तो टमाटर अब गलने में आ चुके हैं, इस स्टेज में ऐड कर लेंगे सारे के सारे मसाले, नमक सब कुछ ऐड कर लें। तो मिर्ची मैंने 3-4 डिफरेंट किस्म की डाली हैं, तो ज़रा एहतियात से ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैंने कम कम क्वांटिटी में रखी हैं मिर्चें। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज, प्याज़ों को थोड़ा सा हमने सॉफ़्ट होने देना है। प्याज आपको मेरे पास घर पे ये थे रेड वाले, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरे हों घर पे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें और भी आपको डिफरेंट वैरायटी में रेसिपी मिल जाएंगी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। प्याज़ों को होने देते हैं सॉफ़्ट और इस साइड पर मैं अंडे फेंट रही हूँ, अंडे फेंट लेते हैं अच्छे से। अंडे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में थे तो इसलिए फिर मैंने 4 ही कर लिए, मैंने दिखाए 5 है लेकिन फिर मैंने 4 ही ऐड कर लिए हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप छोटे अंडे हों तो 5 ले लें। तो अब ये प्याज और दूसरे मसाले ऑलमोस्ट पकने पे आ चुके हैं, तो अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। तो ये रेसिपी ज़रूरी नहीं कि आप रात को बना के रखें, सुबह सुबह जब सहरी का टाइम होता है उस टाइम फ़्रेश फ्रेश आप स्ट्रेट अवे बना सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप यकीन करें कि चीज़ें अगर आपके पास तैयार हैं तो 5 मिनट नहीं लगते इसको पकने में। तो धनिया ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने पकने देना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है वो भी थोड़े से और सॉफ़्ट हो जाए और धनिया का जो अरोमा है वो सारा मसाले के अंदर रच बस जाए। कलर देखें कितना प्यारा आया है इसके अंदर, और ये मसाला जो है ये बहुत मज़े का लगता है जब आप कोई घर में सालन ना बना हो, कुछ भी ना हो, तो स्पेशली गर्मियों में यही मसाला बना के रोटी इसके साथ खा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मसाला तैयार होने पे आ चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब पानी, बस तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है, मिक्स कर लें और इसको पकने दें थोड़ा सा। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इसको बहुत मज़े की देती है, स्पेशली जो तंदूर की रोटी होती है उसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बिल्कुल मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे फेंटे हुए अंडे। ऐड करने के बाद हीट आपने हाई कर लेनी है और इसको आपने तेज़ी तेज़ी से मिक्स करना है ताकि बहुत ज़्यादा बड़े जो जिस तरह ऑमलेट टाइप ना बन जाए, इस तरह आप तेज़ी तेज़ी से इसको मिक्स करें, हीट इसकी हाई कर लें और देखते ही देखते ये अंडा पकना शुरू हो जाएगा। और आप इसको जब जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो अंडे के जो बड़े बड़े पीसेस बन रहे हैं वो टूटते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑमलेट की शक्ल आ जाएगी, इसकी तैयार कर लेगा, तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँ इस तरह करके। तो
तकरीबन इसको एक मिनट लगता है अच्छे से हाई हीट के ऊपर मिक्स करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना क्वांटिटी में, इसलिए तो मिक्स करते जाएं तेज़ी तेज़ी से। और फिर उसके बाद इस तरह का इसका लुक आया है, ऑलमोस्ट ये पकने पे आ चुके हैं। एहतियात कीजिएगा कि इसमें ये है कि कोई कच्चा अंडा ना रह जाए, कच्चा अंडा रह जाए तो उसकी स्मेल ही इतनी अजीब होती है कि पूरे सालन को ख़राब कर देगी। बेहतर है कि आप इसको सही से कुक कर लें ताकि ये सारा जो उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुका है और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक सर्व करके दिखाती हूँ चाय के साथ, पराठे के साथ। और आप बताइएगा कैसा लगा आपको, ज़रूर ट्राई करें सहरी के लिए और इन्जॉय करें। तो ये रहा जी हमारा अंडे प्याज के सालन का फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।